पता नहीं है कि माँ बाप पीछे खड़े, लेकिन उस ठाकुर जी को पता है कि माँ बाप खड़े हैं, अगर मैं आया तो पकड़ लेंगे। बराबर है। अभी बहुत ऐसी घड़ी है, वो बहुत इमोशनल घड़ी है, और बच्चा अचरज में है। 5 दिन मैं खिला रहा था, आप अच्छे से आ रहे थे, खा रहे थे और मजे कर रहे थे, आज क्या हो गया? वो रोने लगा, बोला लाला आप 5-6 दिन मेरे हाथ से खा रहे हो, पिताजी के आने को हुए मेरे हाथ से नहीं खाओगे। वो रोते रोते बोला आज तू खाया तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। अभी ठाकुर जी अचरज में आ गए, क्योंकि इतने नन्हे भक्त को ना बोलना यानी तो हार होगी। ठाकुर जी जैसे ही ये सुने, रोते बिलखते उस बच्चे को कि आप खाओगे तो हम खाएंगे, नहीं तो हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे ये सुना, वो लड्डू गोपाल हिल गए, उसने वो मूर्ति जीवित हो गई और हाथ से लड्डू उठाने लगे। एक लड्डू उस बच्चे ने ठाकुर जी के मुंह में डाल दिया और एक लड्डू हाथ में ठाकुर जी ने ले लिया। उसी वक्त जो माता पिता पीछे देख रहे थे, बिलख के रो रहे थे, जिंदगी भर जिसकी सेवा की, जिसका श्रृंगार किया, जिसको भोग अर्पण किया, लेकिन खुद हाथ से खिलाने खाने के लिए नहीं आया। 5 साल का बच्चा खिला रहा है और वो खा रहा है। वो दौड़ के अंदर चले गए। आज भी आप लड्डू गोपाल को देखोगे तो एक लड्डू मुंह में और एक लड्डू हाथ में है। तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। अगर उसी वक्त वो नहीं आते तो अलग चीज होती। वो दौड़े चले आए अंदर उस लाला के दर्शन के लिए, उस भगवान के दर्शन के लिए, और मूर्ति स्तब्ध हो गई। उस वक्त अगर उन्होंने अपने मन पे और शरीर पे काबू रखा होता ना, तो उस दरवाजे के पीछे से ऐसा सुंदर दृश्य देखते थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा। लड्डू गोपाल को लड्डू खाते हुए और अपने बच्चे को खिलाते हुए। इसलिए मैंने कहा दो चीज पे बहुत अच्छे से कंट्रोल रखो, एक सॉफ्टवेयर पे और एक हार्डवेयर पे, मतलब मन पे और शरीर पे, दोनों पे काबू रखना बहुत जरूरी है। और उस क्षण पे वो मूर्ति पे स्थापित होगी, वो जीवित लाला जो वो देख सकते थे। वो उन्होंने एक निर्णय था, एक क्षण भर का निर्णय था कि दौड़ के जाना या तो उस दृश्य को आंगन से देखना। थोड़ा सा पेशेंस अगर आप में है तो आप एक हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पा सकते हो खुद के जीवन के लिए। 3 साल ये जो प्लेटफॉर्म मिला है वो ही लड्डू गोपाल है, लेकिन वो दृश्य देखने के लिए 3 साल खुद के जीवन के लिए लेकिन कैसे शांति से पेशेंसली वो आपको देखना है और करना है। वो दृश्य सराहना होना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। तो आप सभी को आज के त्योहार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बावजूद महिला दिवस होने के बाद हमारे बंधु भी जो यहाँ पे है, वो बंधुओं के लिए भी तालियां होनी चाहिए। एक याद रखिए, सॉफ्टवेयर के और ट्रीटमेंट, सॉरी वेलनेस प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इसको क्या नंबर दिया जाए? व्हाट यू प्रीफर, वेलनेस प्रीफर करते हो, प्रिवेंशन प्रीफर करते हो कि ट्रीटमेंट? 3 चीजें हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या प्रीफर करते हो? प्रिवेंशन। 3 चीजें बहुत मायने रखती है। कितने लोग हैं जो ट्रीटमेंट चाहते हैं, वो खड़े कोई नहीं जाता है? अरे डॉक्टर मेरे को मारेंगे। कितने लोग हैं प्रिवेंशन चाहते हैं? प्रिवेंशन कितने लोग हैं, खड़े रहेंगे?
प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन चाहते हैं। ओके, कितने और कोई है प्रिवेंशन चाहता है? कितने लोग है वेलनेस चाहते हैं? खड़े रहेंगे। अब बच्चे होशियार हो गए, दोनों हाथ ऊपर वाला सुन रहे हैं इसलिए दोनों हाथ ऊपर। वेलनेस वाले कितने लोग है? वेलनेस खड़े होंगे, ऊपर वाला देख रहा है, तथास्तु बोलेगा, फिर मत बोलना कि मैं नहीं गया। तालियां होनी चाहिए। वेलनेस के लिए हम प्रायोरिटी देंगे, प्रिवेंशन यानी आपकी पॉलिसी हो सकती है, मेडिक्लेम हो सकता है, जो भी आप चीजें हो सकती है, और ट्रीटमेंट ये इमरजेंसी है। लेकिन एक चीज बोलू, अगर आपका वेलनेस बराबर है ना तो मेडिक्लेम साल भर ले लीजिएगा, लेकिन किसी के लिए स्वाहा कर दीजिएगा। ट्रीटमेंट की अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी भी, ट्रीटमेंट की अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ी भी, अगर आप वेलनेस में बराबर से हो तो ये ट्रीटमेंट आसान रहेगा, बराबर रहेगा, इजी रहेगा, तकलीफ नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी किस चीज के लिए देंगे? वेलनेस के लिए, और प्रिवेंशन सेकेंड, और ट्रीटमेंट किसी के लिए विश भी नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ जिन्होंने ट्रीटमेंट ली है लेकिन आज वेलनेस में है, मतलब कुछ बीमारी से तकलीफ थी लेकिन वो बीमारी हट गई और अभी सुकून से जी रहे, दो मिनट देना चाहती हूँ उनको। अच्छा, खुल हो गया। उसकी उंगली कटी हुई है। राजा छूट गया, दौड़ के मंत्री के पास आया, बोला अरे मैं तो तेरे धन्यवाद मांगना चाहती हूँ, आप सच्ची बोले, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, खुश रहो। और वो उसके पैर पड़ने लगा, उसके क्षमा मांगने लगा। मंत्री बोला क्षमा मत मांग, इधर तक हमने सुना है, उसका आगे का क्लाइमैक्स मैं बताती हूँ। फिर वो मंत्री बोले हे राजा, अच्छा हुआ तूने मुझे चपट मारा और कारावार में डाला, नहीं तो मैं शिकार के लिए तेरे साथ होता और मैं खंडित नहीं होता, मेरा कार्यक्रम बच गया और मैं खुश हूँ, इतनी क्षमा मांगने की, दुख होने की जरूरत नहीं है। ये एटीट्यूड होना चाहिए, बावजूद आप जिस चीज में हो उसको आपको टर्न करना आना चाहिए। विनर्स ऑलवेज कन्वर्ट्स प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। कितने लोग हैं यहाँ पे जो डीएक्सएन में आए हैं हेल्थ इश्यू की वजह से? खड़े होंगे, हाथ ऊपर नहीं चाहिए, हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम की वजह से डीएक्सएन में आए हैं, प्रॉब्लम की वजह से डीएक्सएन में आए हैं। मैं हर व्यक्ति को पूछना चाहती हूँ, प्रॉब्लम रहा उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके हम जीत गए? इसलिए टैलेंट चाहिए था? डिग्री कितनी ली आपने? कुछ नहीं ली, खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। इसमें से कितनी महिलाएं हैं जो अर्निंग करती है डीएक्सएन से? प्रॉब्लम से आई थी, मतलब प्रॉब्लम की वजह से आई थी, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, कुछ तो फिर हलचल है, इसलिए डीएक्सएन में आई, लेकिन प्रॉब्लम तो हट गया लेकिन अभी पैसा कमा रही है। ऐसी महिलाएं खड़ी रहेगी, बाकी बैठ जाएगी, पैसा कमा रही है, वाउचर आ रहा है, ऐसी कितनी महिलाएं? बैठोगे तो कैसे चलेगा पंडिताइन, खड़ा रहना पड़ता है। तो बहुत चमक रहे थे, महक रहे थे, वाह। सो इन महिलाओं को क्या किया जाए? ताली मार दी जाए। प्रॉब्लम की वजह से आई थी, प्रॉब्लम की वजह से आई थी। द विनर्स आर ऑलवेज दोज जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो एटीट्यूड कहाँ पे खरीदा जाएगा? डिग्री में मिलेगा, टैलेंट में मिलेगा,
किसी मॉल में मिलेगा, कोई आपको भेज सकता है, खरीद सकते हो। ये इनर पावर है, ये आपकी आदत है, सोच है, आपका जुनून है, पैशन। बीए की डिग्री होती है, बीएससी की डिग्री होती है, अलग अलग पैशन होता होगा ना। बीए की डिग्री वाले को कम पैशन रहता है क्या? बीएससी की डिग्री वाले को कम पैशन रहता है? एनडीए के डिग्री वाले को ज्यादा पैशन रहता होगा, ऐसा लगता है आपको? सबका पैशन वही होता है। जो घर में खाना पकाती है ना, वो भी इसी पैशन से कमाती है कि मेरा बच्चा, मेरा घर वाला, मेरे घर के लोग वो खाना खाने वाले हैं, मजबूत होने वाले, वो पैशन है। वही औरत बाहर जाके कमाने के लिए जब पकाती है तो भी वही पैशन रहता है। जिसके घर में देती हूँ वो खाना अच्छे से जाए, वो भी मजबूत रहे, और उससे आने वाला पैसे से मेरा घर भी मजबूत रहे। वो भी पैशन है जो होटल में पकाते हैं। आपको लगता है वो अगर अलग पैशन है? वहां भी वही पैशन से होता है कि ताकि मैं किसी को सर्व करूं, वो इससे सुकून पाए, वापिस वापिस हमारे पास आते रहे। कितने लोग सिलाई करते हैं? सिलाई करते हैं, इसी हिसाब से पैशन से करते हैं कि ये जो ग्राहक है मेरे पास से जाएगा। किधर गई वो? एक्चुअली हाँ इधर। मैं इनको वही पूछी कि ब्लाउज कौन सिलाता है? वो पैशन है, मतलब कुछ क्रिएटिविटी करने की, वो पैशन से हम करते हैं। मेरे पास एक औरत है जिसने एमबीबीएस किया है, डॉक्टर है, डिग्री है उसके पास, लेकिन शी इज अ फैशन डिजाइनर, और उसमें भी वो ब्लाउज डिजाइन करती है और उसके ब्लाउज सेलिब्रिटीज यूज करते हैं। मतलब डिग्री तो एमबीबीएस के लिए, लेकिन पैशन था उसका कि वो एक फैशन डिजाइनर बने। पैशन अलग हो सकता है, किसी को पैशन ब्यूटिशियन है, हमारे पास किधर ब्यूटी में है, ब्यूटिशियंस है, ये भी एक पैशन है कुछ करने की। कम ज्यादा कुछ नहीं है, वो हमको डिवोट करना रहता है, दैट्स अ पैशन। आप बीए हो, बीएससी हो, एमबीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके लिए टैलेंट की जरूरत है? नहीं। टैलेंट मिलेगा तो मजा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत है। पैशन की मतलब ये करना ही है, किसी भी हुक और क्रूक से। एक 40 या 50 वर्ष के किसी स्त्री और पुरुष से पूछ लीजिए, घर का बच्चे का एजुकेशन कितना पैशनेटली करते हैं वो जो बच्चा जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है वो कितना पैशनेटली पढ़ रहा है, उसको इंजीनियर बनना है, इसलिए वो पैशनेटली वो काम कर रहा है, अपना पूरा जी जान लगा के वो काम कर रहा है। टीचेबल मतलब सिखाया जा सकता है, बराबर है? टीचेबल मतलब सीखने के लिए तैयार है और सिखाया जा सकता है। ये छोटा सा चीज मैं बता रही हूँ, ये क्या कर रही है बूढ़ी अम्मी? मम्मी क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? इसके लिए बड़ा टैलेंट जरूरी है। लेकिन ये क्या है? जो नन्ना बच्चा उस माँ से, उस दादी से, नानी से, मम्मी से क्या कर रहा है? सीख रहा है। इट इज टीचेबल। लर्निंग इज लर्नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीखना ये अपनी जिम्मेदारी है। तालियां किसके लिए होनी चाहिए कि आज आप सीखने के लिए आ रहे हो? और टीचेबल है, इसके लिए वो डिग्री ली, इधर सीखने के लिए इसलिए कोई डिग्री ली। टैलेंट की जरूरत थी? हाँ, टैलेंट की जरूरत है, क्योंकि 3 लाइन बंद थे, फिर भी मैडम कहाँ से आई? बस से आई। ट्रेन नहीं चालू है, बस आए। कितने लोग ट्रेन छोड़ के बस से आए? ट्रेन चालू नहीं है इसलिए बस आए। मोनोरेल, हाँ, तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए। इट इज टीचेबल मतलब आप उसको सीखना भी चाहते हो, सीखने की आपकी इच्छा है, आप करना चाहते हो। डूइंग एक्स्ट्रा, जो भी चीज आप कर रहे हो ना, आइसिंग ऑन द केक सुना है आपने? सब लोग डेक्सन वाले तो आइसिंग ऑन द केक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू, प्रोएक्टिव, मतलब जो चीज कर रहे हो उसमें थोड़ा सा। मैं बात करूं कि आप बात करने वाले कौन बात कर रहा है? किसी को बात करने की इच्छा है? थोड़ा सा
सा एक्स्ट्रा जो भी आप कर रहे हो ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब आप करते हो ना, तब एक अच्छा माहौल आप पा सकते हो। एक ऐसा पर्वत गिरियारोहक जो हर रोज पर्वत चढ़ता था, लेकिन उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया और 1953 में एवरेस्ट माउंटेन शिखर, सॉरी तेनसिंग, और उसके साथ और कोई एक था, जो दो लोग मतलब उसके पहले जॉन, सर जॉन, कितने सारे लोगों को ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किए, लेकिन नहीं हुआ। जो पर्वत गिर जो गिरियारोहक थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया वो तेनसिंग और हिलरी एनवर्ड हिलरी, जिन्होंने दोनों ने मिलके 1953 में एवरेस्ट सर किया, पहले व्यक्ति थे जो एवरेस्ट पार किया। और उन्होंने बता दिया कि जो आप हर रोज कर रहे हो उसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, आप जीत सकते हो। यहाँ पे टैलेंट की जरूरत थी क्या? बहुत सारे लोग प्रयत्न कर चुके थे, फिर भी इन्होंने करके दिखाया, एवरेस्ट पार किया। और इतना ही नहीं, जो हिलरी थे उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, जहां से पूरा सीधा पहाड़ था, वो पहाड़ में से रास्ता निकाल के वो एवरेस्ट कम टाइम में अच्छे से पार कर पाए। उनका पैर भी नम हो गया था ठंड से, फिर भी चले। वो जो नेपाली थे उनका भी हाथ नम हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा आज अगर हाथ गया है नेक्स्ट टाइम में चांस नहीं मिलेगा। उन्होंने वो एक्स्ट्रा किया और आज जीत गए, और आज पूरी दुनिया उनको एवरेस्ट के फर्स्ट क्लाइंबर के हिसाब से जानते हैं। उनको सर की उपाधि दी गई और पूरे जग भर में उनको बहुत प्यार से और बहुत शान से सम्मान से अपनाया गया। तो थोड़ा एक्स्ट्रा करने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत है? कुछ टैलेंट की डिग्री की जरूरत है? डिग्री चाहिए? नहीं चाहिए। यू कैन डू इट। प्रिपेरेशन, यहां आने के लिए, मीटिंग में आने के लिए क्या, पहले तो न्योता दिया मीटिंग के लिए, इसके लिए गेट्स एंड मैनेजमेंट में बहुत प्रिपेरेशन किया। आपका प्रिपेरेशन ही 99% आपको जिताता है। आप कैसे प्रिपेयर होते हो ये बहुत मायने रखता है। ये मीटिंग अरेंज की गेट्स एंड मैनेजमेंट में, लेकिन इस मीटिंग में आने के लिए आपने प्रिपेरेशन किया, टाइम दिया, अपना टाइम रखा, बराबर है? साड़ी कौन सी पहननी है वो भी देखा, ड्रेस कौन सा गालना है, ज्वेलरी कौन सी गालनी है, गालेची है, हेयर कट क्या करना है, लिपस्टिक कौन सी लगानी है, या तो टोपी डालनी है कि छाता लेके जाना है, धूप है तो पानी की बॉटल रेडी। इट इज प्रिपेरेशन, स्मॉल टू स्मॉल, टाइनी टाइनी, छोटे से छोटा भी प्रिपेरेशन आप अच्छे से किए तो आपकी जीत निश्चित है। इसके लिए टैलेंट की जरूरत है, डिग्री की जरूरत है। प्रिपेरेशन कौन कर सकता है? सब लोग कर सकते हैं। खुद के जीत का प्रिपेरेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, खुद की आजादी के लिए प्रिपेरेशन कर सकते हैं, खुद के साम्राज्य के लिए प्रिपेरेशन कर सकते हैं, खुद को एक अच्छा मास्टर बनाने के लिए प्रिपेरेशन कर सकते हैं। उसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। लगता है आपको टैलेंट की जरूरत है? नहीं। हमारे पास ये दिग्गज है, कितना टैलेंट है, कितनी सीखी हुई है खुशबू कुमारी, कितनी सीखी हुई है, किसको बताए? 10। राजीव कुमार कितने सीखे हुए हैं? होटल में पानी पिलाते थे ट्रे से। जो रिक्शा वाला है कितना सीखा हुआ है? जो टायर वाला है कितना सीखा हुआ है? ये जो केरला से है रिक्शा वाला और टायर वाला, कितने सीखे हुए हैं? पैशन है, एटीट्यूड है, इनके पास करने की लगन है, प्रिपेरेशन है, इनके पास टैलेंट है तो वो एडम है। लेकिन मैं टैलेंट को कम नहीं आती, टैलेंट कुछ कम नहीं है। अगर आपके पास ये 10 चीजें हैं और उसके साथ टैलेंट है तो दैट इज वेरी गुड। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हीन भावना में रहते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, मैं ये नहीं कर सकता तो मैं कैसे जीत सकता हूं। जो हीन भावना में करोड़ों की जो जनता है
खुद को ऐसे ही बिठा के रखिए, उनके लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आपके पास 10 चीजें हैं और टैलेंट नहीं है, डिग्री नहीं है, फिर भी आप जीत सकते हो, आप मास्टर, आप बहुत अच्छे ओहदे पे जा सकते हो। आज इनका इनकम, ये सब मिलियनियर्स है, बावजूद इनके पास कोई डिग्री और टैलेंट नहीं है, BXN में मिलियनियर्स है। तालियां। BXN ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके लिए आपको मतलब तैयार होना है, निर्णय लेना है। जिसके पास डिग्री है वो CEO नहीं बनता है, जिसके पास पैशन है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो CEO बनता है। तो DXN में आज जो डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड लेते हैं या तो बिजनेस में जुड़ते हैं, तो उसी हिसाब से जुड़ते हैं कि उसमें से CEO है हम, एक बिजनेस हमारे पास है, एंटरप्रेनर हम बनने जा रहे हैं। देखना चाहते हो? Yes. कैसे देखना चाहते हो? मिलियनेयर के साथ बराबर है। तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, 10 चीजें तो आपने देखी, मैं जानना चाहती हूँ 10 चीजें मैंने क्या क्या कही है। पहली चीज टाइम मैनेजमेंट, पंचुअलिटी, टाइम पे पहुंचना है। दूसरी चीज क्या है? फटाफट फटाफट, दूसरी चीज क्या है? सॉरी, टैलेंट नहीं, टैलेंट जीरो, एथिक्स, ओके, नीति से काम करना है, नीति बनता होने वाली कंपनी के साथ जुड़ना है, अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छा प्लान है, ऐसी DXN फैमिली है, तो एथिकली हमको काम करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? सॉरी, एफर्ट्स, मतलब मेहनत करनी है, उसके लिए काम करना है, जी जान लगा के आपको एफर्ट देने। और दूसरा पॉइंट बॉडी लैंग्वेज, मतलब आप दूसरे से कैसे बर्ताव करते हो, अच्छे भावना से करते हो, अच्छे चीज से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या होगा? एनर्जी, चार्ली चैपलिन, ये तो बॉडी लैंग्वेज का एक उदाहरण है। एनर्जी, एनर्जी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव और कन्वर्टेबल, हम में भी होनी चाहिए और हम दूसरों को भी वो एनर्जी सपोर्ट कर सकते हैं। एटीट्यूड, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का एटीट्यूड, एटीट्यूड ऐसे ही कहां पे नहीं मिलेगा, आपको खुद को जनरेट करते रहना पड़ेगा, मीटिंग में लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। ये डेविड गोलियत को हमने देखा, पैशन, ये बहुत जरूरी है। DXN सभी मीटिंग में आना, ये आपका पैशन होगा। yes. क्योंकि कुछ ना कुछ, एक शब्द, एक सेंटेंस, एक किसी को सुनने को मिलेगा, कोई आपको क्या सिखा के जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 360 डिग्री% आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जीत सकते हो, इसलिए DXN के लिए तैयार होना। DXN ये टीचेबल है, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज है क्या? क्या है? बेवरेजेस है, न्यूट्रिशन है और पर्सनल हाइजीन है, तीनों चीजों को अपनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो कर सकते हैं, सिंपल है, या सो इट्स इज टीचेबल और रीचेबल भी है। डूइंग एक्स्ट्रा, जो भी आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी है, 1 घंटा, 1 आवर, उसमें से 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए, एजुकेशन के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, शेयरिंग के लिए। कोई गेस्ट आए तो उसको चाय कॉफी पिला दो, अपना अपना न्यूट्रिशन, थोड़ा एक विंडो लगा दो, शोकेस लगा दो ना घर पे, तो प्रोडक्ट लगा दो, कोई भी घर पे आता है ना तो पहले देखता है ये क्या है, हैंड एंड बॉडी लोशन है, वैसी चीज रखो जो रीचेबल है, अप्रोचेबल है। तो डूइंग एक्स्ट्रा, जो भी आप कर रहे हो थोड़ा एक्स्ट्रा करो, जो भी खाना खा रहे हो उसके साथ आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट जो भी आपको लेना है वो एक्स्ट्रा डालने की जरूरत है। थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा एक सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ एनर्जी आपको मिलते रहेगा। प्रिपेरेशन बहुत जरूरी है, आपके पास 6 महीने, 5G शुरू हो जाएगा 1 अक्टूबर, कल की न्यूज है बैंगलोर इज ऑलरेडी डिक्लेयर हवा और पानी के लिए, मुंबई की हालत पता नहीं क्या होगी, लेकिन हम प्रिपेयर रहेंगे,
हम प्रिपेयर रहेंगे अपना चाय कॉफी जो भी न्यूट्रिशन है उसको अपग्रेड कर देंगे, अपना प्रिपरेशन बराबर से रखेंगे। जीतने के लिए तैयार है सब लोग? कितने लोग जीतने के लिए तैयार है? सब लोग दो हाथ किसके ऊपर है? सबके ही तालियां बजाओ। आई वेलकम यू इन बीएसएल मिलियनेयर क्लब, जहां पे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लर्निंग भी है, लेकिन दो चीजों को आपको संभालना होगा, एक आपका मन और आपका शरीर, क्योंकि दो चीज ऐसे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, बराबर है ना? आज के लैंग्वेज में यू कैन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपका सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर दोनों को संभालना पड़ेगा। कथा से संपन्नता होगी? किससे संपन्नता होगी? कथा से। कितने लोग कथा सुनना चाहते हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं। आज पंचमी है तो हो जाए। ठाकुर जी को भोग चढ़ता है। एक जो भक्त था वो हर रोज भोग चढ़ाता था और ठाकुर जी की सेवा करे बिना कहीं बाहर नहीं जाता था। वो कहां कहीं पे जाना चाहता था फिर भी वो टाल देता था, क्योंकि उसको ठाकुर जी को अच्छे से नहला के सजा के सवार के भोग चढ़ा के ही वो बाहर निकलता था। लेकिन चार पांच दिन उसको कहां पे यात्रा पे जाना था, काम के लिए जाना था, तो उसने वो जवाबदारी अपने नन्हे 5 साल के बेटे पे डाल दी कि 5-6 दिन मैं बाहर जा रहा हूं, तो ठाकुर जी को नन्ना गोपाल को आप प्रसाद खिलाइए, अर्पण कीजिएगा और आपका काम कीजिएगा। जो 5-6 साल का लड़का है वो प्रसाद अर्पण करता था। जब पिताजी वापस आए 4-5 दिन की यात्रा के बाद, तब उस बच्चे की माताजी उस पिताजी से बोली, अपना लड़का थोड़ा बिगड़ा हुआ लग रहा है। पिताजी अचरज में आ गए, 4-5 दिन के लिए क्या मैं बाहर गया और यहाँ पे गड़बड़ हो गई, थोड़ा खराब होते जा रहा है, तो अभी संभालना पड़ेगा। तो बोले क्या हुआ? झूठ बोलने लगा है। तो माता पिताजी एकदम अचरज में आ गए, क्या झूठ बोला वो? तो बोले कि हर रोज मैं प्रसाद देती हूँ अर्पण करने के लिए और फिर उस थाली में कुछ भी नहीं बचता है, वापिस अक्खा खाली खाली वो मुझे वापिस देता है। ये सुनते ही पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, बच्चा बिगड़ रहा है, ये माता पिता के लिए बहुत शर्मनाक चीज होती है। तो वो टेंशन में आ गए कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, ये झूठ क्यों बोल रहा है कि मैंने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, अर्पण कर दिया और थाली भी नहीं वापिस दे रहा है, भरा हुआ खाली खाली वापिस दे रहा है। तो पिताजी टेंशन में आके बोले, रुको हम देखते हैं ये क्या कर रहा है। तो उसको रंग के हाथों पकड़ ली, सबको ये चाहिए ना कि उसको उसी वक्त बोल दे ताकि वो बच्चा, वो नन्ना बच्चा समझ सके, हम उसको सुधार सके। इसलिए उसने उन्होंने कहा कि पत्नी को कहा आप भोग तैयार कर दीजिए और उसको अर्पण करने को बोलिए, उसको बोलिए क्या मत कि मैं घर पे आया हूं। उस बच्चे को कहा कि आज के दिन पिताजी आने ही वाले, आज के दिन आप भोग चढ़ा दो, अर्पण कर दो। उस माँ ने अपने नन्हे बच्चे के हाथ में भोग की थाली दे दी और वो ठाकुर जी के सामने बैठ गया। जैसे ही वो ठाकुर जी के सामने बैठ गया, माता पिता पीछे दरवाजे के पीछे छुपके खड़े हो गए, छुपके खड़े हो गए और देखने लगे कि ये क्या गलत कर रहा है, क्योंकि भोग के बाद खाली थाली देता था, तो ये भोग का क्या करता है, वो देखने के लिए वो पीछे से दरवाजे के पीछे से खड़े हो गए। अभी ये भोग ठाकुर जी को चढ़ा रहा है, वो बुला रहा है कि हे लड्डू गोपाल आके लड्डू खा जा, लेकिन वो लड्डू गोपाल जानता है पीछे दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है, माता पिता है। वो नन्ना सा बालक हर रोज बुलाता था और लड्डू गोपाल उस बालक के लिए हर रोज आके वो भोग खा के जाता था,
लेकिन माँ बाप को क्या लगता था कि ये खा रहा है और गलत बोल रहा है, गलत संगत में आ गया।